हेलो पैरो, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। सो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने जहाँ पर बात अपनी ख़त्म की थी और मैंने आपसे कहा था कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से तो देख लिए, उसका क्या कैसे उससे रिजल्टेंट क्या निकालते हैं। उसका एक ग्राफिकल तरीका भी है और इसमें फेज जो वर्ड है इसका काफ़ी ज़्यादा हम यूज करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसको हम इसका रोल इम्पोर्टेंस इसकी देखेंगे और वहाँ से पाएंगे किस तरह से फेज की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है इंटरफेरेंस से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में, ख़ासतौर पे इंटरफेरेंस की घटना देखने के लिए। और यहीं से एक अगला सवाल आता है, अगर रैंडमनेस आ जाए, अगर रैंडम फेज की कंडीशन हो जाए तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमें दिखाएगा कि हमारे सामने क्या समस्या होने वाली है। चलिए तो लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा हमारे पास इक्वेशन है y1 इजिकल टू ए साइन सम फेज ओमेगा टी, अल्फा वन है इसका, और दूसरी वेव है हमारे पास a2 साइन ओमेगा टी विथ सम फेज अल्फा टू। आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और फ्रिक्वेंसी सेम है, तो अल्फा का डिफरेंस दोनों जगहों पर है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है फेजर डायग्राम का, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल बट आफ्टर मतलब बीच में मैं कहीं इसको डिस्कस करूँगा अपने मेन कोर्स टॉपिक के साथ में। तो एक फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सर्कुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा सकते हैं। जैसे मान लें कि आपके पास एम्पलीट्यूड A1 है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड A1 है, आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया और इसका फेज आपने अल्फा वन ऐसे ड्रॉ बना दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो A1 है। अब हम लेंथ A1 है तो जस्ट आप इसको एक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई होप इट लुक्स लाइक सर्किल। ओके, उसके बाद फिर आपके पास दूसरा एम्पलीट्यूड है, तो आपने दूसरे एम्पलीट्यूड को यहाँ पर ले लिया, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा मान लिया इसको, और इसका जो एंगल है वो है आपका अल्फा टू। ओके, यहाँ मैंने बना दिया, और इसके लिए भी आपने कुछ इस तरह का एंगल सर्किल मान लिया, आई होप दिस इज सर्कुलर इन शेप। ओके, सो अब आप क्या कर सकते हो, वेक्टर, अब वेक्टर सम का रूल लगाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसके पैरेलल यहाँ कर दें, है ना, पैरेलल हुआ, और इसको यहाँ से देख लें इसके पैरेलल, ये तो ये पॉइंट आ गया पी, इंटरसेक्शन पॉइंट पी। तो पी से हम अब इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ये एरो, और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो दिस इज ए वन एंड दिस वन इज ए टू, और ये है उसका ए, और इसके लिए जो सर्किल होगा वो उसी हिसाब से आपका एक लार्जर सर्किल हो जाएगा, इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। और हमें अल्टीमेटली सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या निकल के आया था, हमारे पास निकल के आया था कि ए स्क्वायर जो होता है वो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस अल्फा टू माइनस अल्फा वन आएगा, या अल्फा वन माइनस अल्फा टू, दोनों में इक्वलेंसी होती है। तो ये सब हम कैसे निकाल के लाए थे, अपनी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। अब हमें जैसा कि दावा है हम इसको ग्राफिकल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसी चीज को हम थोड़ा सा इस हिस्से को अलग से थोड़ा सा बनाते हैं। तो आपको हमें ये बना के दिखा रहा हूँ इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है ये पी और ये जो पूरा है इस पोर्शन को मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। सो दिस इज ए वन, और हाँ एक और चीज आप, खैर ये जो एंगल होगा, चलो रहने बताते हैं इसको, ये कितना है, दिस इज अल्फा वन, और हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, और आप देख रहे हो जैसे ये चीज इसको हम यहाँ पे लाकर रख दें अगर, तो यहाँ से आपके पास इस तरह से एक वेक्टर आ गया ए टू। ओके, और इसका रिजल्टेंट क्या है, यहाँ से आप ये एक लाइन ड्रॉ करो, ये ए है, इस तरह कुछ बन रहा है। ओके, और
अब देखो, अब ये एंगल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना होगा। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके साथ एंगल अल्फा है, और जो ये ए टू है, ए टू देखो हमने अल्फा टू इस हॉरिजेंटल लाइन से माना है, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ये ए वन ए टू है, ये कोई लाइन है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर दें, इस तरह से हमारे पास ए वन है, इसकी लाइन अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ऐसे बनेगी, और यहाँ हॉरिजेंटल लाइन है, ये अल्फा वन है, और ये पूरा एंगल अल्फा टू है। ओके, तो अब आप क्या करो, इसको पीछे बढ़ा दो, अगर पीछे बढ़ा दोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा टू हो जाएगा, है ना, पैरेलल लाइन है तो ये भी अल्फा टू, ये भी अल्फा टू हो जाएगा। अब जरा इस एंगल को हम देखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये एंगल चाहिए, देखो ये एंगल ही यहाँ वाला है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यही एंगल है, ये इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू पर कैलकुलेट कर लें, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस एंगल को ढूंढ ले जाएंगे। तो आप देखते हो आउटर एंगल जो है उसका सम बराबर होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस दिस अननोन एंगल, इसको मैं क्वेश्चन मार्क से बना रहा हूँ, तो अननोन एंगल क्या हो जाएगा, अननोन एंगल हो जाएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन, इसका मतलब है ये एंगल अल्फा टू माइनस अल्फा वन है, तो उसका अपोजिट होने के नाते ये एंगल भी अल्फा टू माइनस अल्फा वन होगा, यानी ये एंगल हो गया अल्फा टू माइनस अल्फा वन। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाई हमने अपनी बेसिक, एक बार फिर से आप कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा। ओके, तो हमारे पास मान लो ये जीरो है, ये ए है, ये बी है, तो अब हम ए निकालना चाहते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 यानी पाई माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा वन हो जाएगा ये एंगल, ये एंगल अल्फा पाई माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा वन हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोसाइन रूल लगाते हैं, तो आप लगा सकते हो बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होता है, जिस एंगल की बात हो उसके सामने वाले साइड को देखो, तो आप ऐसे लिखोगे कॉस, अब हम इस एंगल को ऐसे ब्रैकेट में लिखने जगह नहीं है, तो कॉस इज इक्वल टू कॉस दिस एंगल, ब्रैकेट का मतलब है ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस दिस एंगल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैसे लिखोगे, ए वन स्क्वायर दिस प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए वन ए टू, दिस इज द कॉस, जो एंगल के सामने वाली साइड इस तरह से है, तो इसको क्या, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप कि ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू टाइम ए वन ए टू कॉस पाई माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा वन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने पूरा वैल्यू लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको ऐसे लिखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू कॉस पाई माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा वन, और अगर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, अगर ये लिखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, ये वही फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा, हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो उस हिसाब से ये प्लस हो जाएगा टू ए वन ए टू कॉस अल्फा टू माइनस अल्फा वन, तो ये देखो आ गया हमारे पास कोसाइन रूल से, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से हम अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, जो वेक्टर सम वाला हमारा तरीका है,
उससे भी वही रिजल्ट हम ला सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को जोड़ने के दौरान हमने किस चीज़ को किस फैक्टर ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, अल्फा वन और अल्फा टू ने। तो देखा आपने, हम दो सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो हमने एक सोर्स लिया और उस वजह से हम एक रिजल्टेंट पा गए। अब थोड़ा सोचो, अगर आपके पास ऐसी वेव्स हैं, मान लो कई वेव हैं जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, जिनका फेज रैंडम है, मतलब कभी अल्फा वन है, कभी माइनस में, कभी प्लस में, तो किसी का फेज ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे, रैंडम फेज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ओवरऑल इफेक्ट होगा, इंटरफेरेंस का इफेक्ट, वहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, वहाँ हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चूंकि फेज लगातार चेंज हो रहा है, अगर फेज लगातार चेंज होगा तो इस टर्म का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा, ये जो एडिशनल टर्म है, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा दैट विल बी रिड्यूस टू जीरो। क्या कह रहा हूं मैं, अगर रैंडम फेज कंडीशन आप लोगे तो उस स्थिति में ये जो पोजीशन, जो कि अल्फा की वैल्यू लगातार बदल रही है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन, वहां बहुत सारे अल्फा, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा एन अल्फा है, और कोई प्लस कोई माइनस में है, तो जब वो तेजी से बदल रहे हैं तो हम जब इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे तो दिस एवरेज वैल्यू विल रिड्यूस टू जीरो, और जैसे ही फैक्टर जीरो होगा यू विल जस्ट गेट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस होने में फेज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। फेज शुड बी जीरो, फेज डिफरेंस शुड बी जीरो और इट शुड बी कॉन्स्टेंट। तो फेज डिफरेंस जो होते हैं इसमें उसका बहुत रोल है। अगर रैंडम फेज की हमने वेव ले ली तो हम इंटरफेरेंस को होता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उस समय ये जो फैक्टर है जो कि इंटरफेरेंस की घटना को मैथमेटिकली हमको शो कर रहा है, दैट इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो उस समय ऐसा होगा कि अगर आपने जैसे आप घर में यही होता है, घरों में ऐसा ही होता है, घरों में हम इंटरफेरेंस क्यों नहीं देखते? अभी जैसे मैंने एक लाइट यहाँ जलाई है, एक लाइट यहाँ जलाई है, ऑलमोस्ट एक ही जैसी लाइटें हैं, एक ही साथ खरीद के लाए थे, एक ही दाम की है, एक ही कंपनी की है। तो अब क्या हो रहा है कि एक लाइट ये जल रही है सामने है, तीन लाइट है हमारे पास। तो इस समय हमारे पास इस कमरे में या आपको यहाँ पे काली सफ़ेद पट्टियाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? आपको एक यूनिफॉर्मनेस दिखाई पड़ रही। अगर बारी बारी से हम इनको बंद करना शुरू कर दें तो आपको दिखेगा, अगर इसको बंद किया तो इधर की लाइट कम हो जाएगी, इसको बंद किया इधर की लाइट कम हो जाएगी, इसको बंद किया तो ओवरऑल लाइट कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये तीन बल्ब जल करके यहाँ पर काली सफ़ेद पट्टियाँ नहीं बना रहे, बल्कि एक बल्ब के जलने से जितनी चमक यहाँ बोर्ड पर आनी चाहिए, तीन बल्ब जलने से उसकी तीन गुनी चमक यहाँ पर आ रही है। इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन बल्बों की फेज कंडीशंस रैंडम है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनकोहरेंट सोर्सेस कहेंगे, इनकोहरेंट सोर्सेस। तो इस डिस्कशन के थ्रू मैंने आपको एक सेंस देने की कोशिश की है कि फेज का रोल जो है वो इंटरफेरेंस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ही क्रूशियल होता है। और देखा है आपने, फेज की सर्टेनिटी की वजह से आप इस तरह की सिचुएशन आ जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर फेज की सर्टेनिटी ना होती तो क्या होता? अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देखना चाहें, जरा सा मैं जस्ट डिस्कशन ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं, जैसे मान लो एक वेव ऐसे है A1, अगली वेव ऐसे होगी A2, तीसरी वेव ऐसे होगी, चौथी वेव ऐसे हो गई, पांचवी वेव इधर आ गई, छठी वेव इधर आ गई। तो अब मान लो इस तरह से कुछ है, तो इस तरह से आपका एम्पलीट्यूड अब यहाँ से यहाँ तक आपका जाए, क्योंकि आखिरी बात यहाँ आके रुक रही है। और यहाँ पे आपने अल्फ़ा वन लिया, यहाँ कुछ अल्फ़ा टू लिया, यहाँ पर कुछ अल्फ़ा थ्री हो गया, इधर कुछ माइनस में अल्फ़ा फोर हो गया, इधर कुछ इस तरह से, अब कैसे इसको बनाए तो ये कुछ वैल्यू हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के अल्फा होने से वो जो कॉस का टर्म आ रहा था उसमें प्लस माइनस सबके टर्म होंगे, और जब उसकी मीन वैल्यू हम लेंगे देन दैट टर्म विल रिड्यूस टू जीरो, और इस वजह से हमको ओवरऑल वो कॉस वाला फैक्टर गायब हो जाएगा। सिंपली हमको ये दिखेगा कि हमारे पास A1 स्क्वायर है, A2 स्क्वायर है, A3 स्क्वायर है, AN स्क्वायर है, यानी जितने भी बल्ब हमने इस्तेमाल किए हैं उन सब की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आपस में जुड़ रही हैं। तो कमरे में अगर आपने एक बल्ब जलाया तो रोशनी हुई, दूसरा जलाया दुगुनी हो गई, तीसरा जलाया तीन गुनी हो गई, चार जलाओगे चार गुनी हो जाएगी, इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा।
क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए फेज की कंडीशन क्रूशियल होती है। तो अगले टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे तो मैं आपको सीधे इंटरफेरेंस की कंडीशंस की तरफ, इंटरफेरेंस के उस डेफिनेशन की तरफ ले जाऊंगा कि इंटरफेरेंस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं, जिनको अगर हम सर्टेनिटी, जिसको अगर हम फॉलो कराते रहें तो हम एक विजिबल ब्लैक एंड वाइट या डार्क एंड ब्राइट पैटर्न आपको मिलता रहेगा। ओके सो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम आपको ये बताएंगे कैसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हम लोग निकाल सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।